हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना का साया बाबा रामदेव के मेले पर भी, बाबा के बीच पर नहीं खुलेंगे मंदिर के कपाट, ऑनलाइन कर सकते हैं दर्शन। लोक देवता बाबा रामदेव का प्राकट्य दिवस भाद्रपद सूदी बीच गुरुवार को सादगी से घरों में ही मनाया जाएगा। ये पहली बार होगा जब बाबा की बीच पर मंदिर के कपाट नहीं खोले जाएंगे। कोरोना के कारण मंदिर में दर्शनार्थियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। सिर्फ पुजारी और पीपा क्षत्रिय समस्त न्यायित सभा ट्रस्ट से जुड़े समिति पदाधिकारी ही मंगल आरती में भाग लेंगे। इस मंगला आरती के दर्शनों के लिए ट्रस्ट की ओर से ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। डीसीपी पश्चिम आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए मसूरिया मंदिर में बाबा की बीच पर होने वाले तमाम कार्यक्रम प्रशासन व मंदिर ट्रस्ट की ओर से स्थगित कर दिए गए हैं। मंदिर के कंटेनमेंट जोन में होने के कारण भी दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं का प्रवेश निषेध रहेगा। ट्रस्ट पदाधिकारियों सहित मात्र 5 व्यक्ति ही मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। शहरवासियों से भी अपील है कि वो मंदिर की तरफ न आएं। पीपा क्षत्रिय समस्त न्याति सभा ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र चौहान ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इस बार बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ के समाधि मंदिर में केवल पुजारियों व ट्रस्ट के सीमित पदाधिकारियों की ओर से सुबह 4:15 पर पंचामृत अभिषेक और 109 ज्योत से श्रृंगार आरती की जाएगी। मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण सुबह 11:15 पर होगा। दर्शनार्थियों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। मंदिर की ओर से babarandev.com पर श्रृंगार आरती के लाइव दर्शन की व्यवस्था की गई है। बता दें कि लोकल देवता बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ की समाधि स्थल मसूरिया मंदिर पर हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लाखों की संख्या में श्रद्धालु एवं जातरू दर्शन के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि रामदेवरा तक पैदल जाने वाले जातरुओं को पहले उनके गुरु बालीनाथ की समाधि स्थल मसूरिया मंदिर में दर्शन ना करें तो उनकी यात्रा सफल नहीं होती। बालीनाथ जी की समाधि स्थल पर हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग बाग यहाँ दर्शन करने के लिए पधारते हैं, परंतु कोरोना वायरस होने के कारण बहुत ज़्यादा संक्रमित होने हो रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार राज्य सरकार ने धार्मिक स्थल बंद करने का निर्देश दिया है और ट्रस्ट ने भी ये विचार किया कि ये बिल्कुल धार्मिक स्थल बंद किया जाए। और जब तक बादशाही भी जारी है, इसके अंदर भी लोग काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ रस्म जो बाबे की जो रस्म होती है, ध्वजारोहण है, आरती पूजा है, यही की जाएगी। इसके अलावा दर्शनार्थियों के लिए प्रवेश बंद किया जाएगा और यात्रों के लिए विशेष आग्रह है कि वो घर पर रहकर, हमारी एक वेबसाइट बनी हुई है babarandev.com के अंदर जाकर आप लाइव दर्शन कर सकते हैं और अन्य लोकल चैनल पर भी ये दिखाया जाएगा। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की।